ये देखो एक्सीडेंट, देखो एक्सीडेंट, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से गाड़ी चलाया करो भाई। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम और दिल से स्वागत। भाई आपने देखा था वीडियो, मैंने इसी ढाबे से मैंने एंड किया था, अब इसी ढाबे से मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो, आज का वीडियो। अभी पहुँचे हैं बिल्कुल महाराष्ट्र बॉर्डर से पीछे ही हम। अभी ये रही अपनी गाड़ी, आप बिल्कुल देख सकते हो हाइट भी कितनी है, अभी देख सकते हो आप। अब यहाँ से तो हमको जाना है, अब मैं बात खोलूँगा गाड़ी का, फिर मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी का भी व्यू दिखाऊंगा। अभी मैं पहले इसको चाय भी लगाऊंगा। खुल गया लॉक, अब मैं जाऊंगा गाड़ी के अंदर। अब देख सकते हो बिल्कुल मैं गाड़ी के अंदर आ गया। अब गाड़ी के अंदर आके फिर मैं करूँगा काम, चाबी मैंने इस पर रखा है। अब मैं थोड़ा सा इस साइड में घूमूंगा, इस साइड में घूम के थोड़ा सा फिर ऐसे पैर उठाए मैंने। अब आया मैं इस साइड में, क्योंकि ये साइड में बंद था। अब मैं राजा भाई का वेट करूंगा, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी, क्योंकि राजा भाई भी थोड़ा सा थक गया, इसकी वजह से मैं चलाऊंगा अब गाड़ी। आप देख सकते होंगे मुझे, अब ये है रोड। भाई करते हैं काम, यहाँ से चलेंगे। अभी गर्मी बहुत है, आगे हमको महाराष्ट्र बॉर्डर पे जेल भी डालना है, क्योंकि यूरिया ख़त्म हो गए थे पीछे। फिर राजा भाई ने मुझे उठाया, पता है क्या, मुझे नींद थी उसी टाइम में, सोया था एक घंटा पहले ही सोया था, फिर इसने उठाया, फिर मुझे तब से नींद ही नहीं आया। कब करेंगे भाई काम, अब निकलेंगे यहाँ से, अब नहीं रुकेंगे, अब चलेंगे। अब मैंने ये गाड़ी स्टार्ट किया, चाबी वाबी दबा के अब मैंने स्टार्ट किया गाड़ी, अब बिल्कुल निकलेंगे, अब नहीं रुकेंगे, अब चलें। चलो भाई निकलेंगे यहाँ से हम, अब निकला मैं यहाँ से, अब चला मैं यहाँ से आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से चलूँगा मैं। चलो 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 चलो, आ गए मेन जो हाईवे रोड है ना, मेन जो हाईवे रोड है ना, उसी रोड पे आया मैं। अब मैं चलूँगा, कंटिन्यू रहूँगा अपना सब्र, और राजा भाई लिखेगा हिसाब कितना खर्चा हो गया इधर, कितने लोगों को खाना वाना, जो लिखना पड़ता है ना पूरा लिखना पड़ता है हिसाब किताब। कर दे भाई अपनी राइड कंटिन्यू, फिर मिलेंगे आपसे आगे, देखेंगे जहाँ पे बात दिखाएंगे आपको आगे आगे का भी व्यू दिखाएंगे आपको ज़रूर। अभी हम तेलंगाना में चल रहे हैं, रात को तो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में हम आंध्रा में घुसे थे, आंध्रा में, आंध्रा फिर तेलंगाना में घुसे थे, आंध्रा में चल रहे थे फिर तेलंगाना में घुसे थे। अभी आदिलाबाद यहाँ से है, ये 50-60 किलोमीटर भी बॉर्डर है यहाँ से, बस 60-70 किलोमीटर बॉर्डर है। अब निकलेंगे यहाँ से, अब नहीं रुकेंगे, अब चलेंगे, अपनी राइड रखेंगे कंटिन्यू, चलेंगे धीरे धीरे 50-50 के हिसाब से चलेंगे कंटिन्यू, फिर करेंगे आपसे आगे फिर बात। देखो ना एक्सीडेंट कैसा भयंकर एक्सीडेंट हो गया यार। चलो भाई करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू, ये तो मेरे को दिखाना था ज़रूर, क्योंकि डेली हरे में केयरफुल किया करो, क्योंकि स्लो ड्राइवरी लॉन्ग लाइफ। हम तो जा रहे हैं, ये तो खुद उतरती है, क्योंकि चढ़ाई आगे 60 के हिसाब से उतर रही है गाड़ी, चढ़ाई बिल्कुल डाउन में जा रही है अभी गाड़ी। करते भाई का हम अपनी राइड रखते हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये दिखाना, ये शॉट आप लोगों को ज़रूर दिखाना था, क्योंकि इसे पता चल रहा है ना ड्राइवर क्या होता है ड्राइवर की ज़िंदगी में। पता नहीं नींद लगी होगी, कुछ लगी होगी, सीधा गया उस साइड में पलट गई इसकी गाड़ी। चलो करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू, फिर मिलेंगे आपसे आगे बॉर्डर पर। चलो पहुँचे बिल्कुल तेलंगाना वाले बॉर्डर पे, बिल्कुल हम इधर, हम बिल्कुल तेलंगाना बॉर्डर पे हम सकते तेलंगाना बॉर्डर पे हम अभी रुके हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, आप देख सकते हो तेलंगाना बॉर्डर पे रुके हैं अभी, आप बिल्कुल देख सकते हो बाहर का थोड़ा सा नजारा देख सकते हो। इधर बॉर्डर पे है ना, ये एंट्री वेंट्री पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। ये है तेलंगाना का बॉर्डर, अब घुसेंगे हम बिल्कुल महाराष्ट्र में। उधर आरटीओ साहब बैठता है, वो जो है ना छोटा सा डब्बा दिख रहा है ना, इसी में वो डॉक्यूमेंट चेक करता है, और जब डॉक्यूमेंट बराबर होती है तो फिर छोड़ देता है और एंट्री करवा के छोड़ देता है। ये तेलंगाना का बॉर्डर, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अब रुक गए इस पेट्रोल पंप पे। अब हमने डीजल की टैंकी फिल फुल की,
क्योंकि इधर से है ना कल से सस्ता पड़ गया 8 रुपये तेल। पहले तो इधर 104 रुपये था, अब 8 रुपया उधर गया, 104 पड़ गया डीजल यहाँ से महाराष्ट्र से। अब यहाँ से जाके सीधा हमको कराना है अब यूपी में फुल, जहाँ फिर यूपी से जाके सीधा जब पहुँचेंगे ना उधर बार इधर लखनपुर जमताल उधर ही फिर फुल कराएंगे, फिर से फुल, फिर वो घर तक चलेगा। चलो भाई करते हैं काम। ये हमने महाराष्ट्र बॉर्डर तो हमने पीछे क्रॉस कर लिया, यहाँ से 1-3 किलोमीटर बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया। उधर मैं शूट नहीं उठा पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुद नीचे जाना पड़ा, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। इधर ये भाई की गाड़ी है वो लगी है, ये हमारे साथ ही चल रहा है कल से, वो जो दिख रही है ना ये मेवात का गाड़ी है, वो बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है हरियाणा नंबर जैसे वही है। भाई करते हैं काम। राजा भाई ने किया था कूलर में पानी, मगर इसका मोटर ही खराब हो गया है ना। राजा भाई क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, चल ही नहीं रहा क्या हुआ इसको। भाई परेशान है, ये मोटर ही बैठ गया इसका। चलो करते हैं भाई काम, यहाँ से निकलकर फिर आगे रुकेंगे कहीं पे, खाएंगे थोड़ा सा, खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे सीधा, फिर नहीं रुकेंगे, देखेंगे फिर कहीं पे आगे पे देखेंगे कहीं पे, अगर मन हो गया तो रुकने का। पहले तो हम रुकेंगे कुछ खा पी के फिर निकलेंगे कंटिन्यू चलेंगे, अब तो चलना, अब तो रुकना नहीं है, अब निकलेंगे कंटिन्यू। कर दे भाई काम, फिर मिलेंगे आपसे उधर ही जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। रास्ता वास्ता करके निकले थे वहाँ से कम से कम चले हम 30-35 किलोमीटर, बिल्कुल नागपुर के नज़दीक है। ये रही अपनी गाड़ी इधर और दूसरे भाई की गाड़ी जो हमारे साथ साथ चल रहा है ये गाड़ी, और राजा भाई गया है पानी लाने के लिए क्योंकि, और टायर वायर भी चेक करेंगे क्योंकि टायर है ना हद से भी ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है, टायरों को हाथ नहीं लगा सकते इतने गर्म है ये, बहुत गर्म है। और इसके जो ये है ना बहुत, ये भी बहुत गर्म है कसम से। अब ये गाड़ी रखी है इधर ही स्टार्ट क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये रहा नागपुर का हवे, इधर से नागपुर जाते हैं उधर से पीछे से आते हैं। अब करेंगे भाई काम, इधर से हम कंटिन्यू चलेंगे और चलेंगे कंटिन्यू नागपुर, तो फिर आपको भी दे देंगे बारी बारी पूरी लोकेशन, कहाँ पे हम रुके कहाँ नहीं रुके। ये रहे ये ढाबे पर रखी थी गाड़ी, ये रही पूरी गाड़ी का व्यू आपको, अब दिखेगा पूरी गाड़ी का व्यू। अब करेंगे भाई काम, अब निकलेंगे, अब चलेंगे कंटिन्यू, अब चढ़ेगा राजा भाई गाड़ी पे क्योंकि मैं सुबह 8 बजे चढ़ा गाड़ी पे, अभी बज गई दिन के 5 बजे मैं उतरा गाड़ी से नीचे। अब मैंने इसको बोला अब चलाओ तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगा क्योंकि गर्मी भी ऊपर से बहुत है, हद से भी ज़्यादा गर्मी है। करेंगे भाई काम, इधर से पानी वानी पकड़ के फिर निकलेंगे। भाई सपोर्ट करना प्लीज़, और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। इस ढाबे पे रुके हैं, फिर ढाबे का व्यू मैं दिखा दूंगा आपको, पेट्रोल पंप भी इसके साथ में ही लगा हुआ है और अपोजिट में भी ढाबा है, देखो टिप्पर यहाँ का कैसा टिप्पर है। चलो भाई करते हैं काम, अपनी राइड कंटिन्यू रखते हुए, छोटी गाड़ी निकल रही है ढाबे से, रही अपनी गाड़ी, अब निकलेंगे यहाँ से, करते हैं इस जगह को बाय बाय। इस जगह का नाम है हैंगिंग घाट, नागपुर से पीछे 50-55 किलोमीटर इस जगह का नाम है, टायर वाला भी इधर है। चलो करते हैं काम भाई, अब निकलेंगे यहाँ से। तो निकल कर आ गए, अब चल रहे हैं कंटिन्यू बिल्कुल नागपुर के नज़र। अब राजा भाई चढ़ गया गाड़ी पे, राजा भाई चला रहा है गाड़ी और मैं थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। और हैंगिंग घाट तो हमने क्रॉस कर लिया, हैंगिंग घाट बोलते हैं जगह के जहाँ पे रुके थे हम अभी, वो क्रॉस करके अब चल रहे नागपुर की तरफ। वो जो हवा आ रही है ना, समझ लो ये कोई आग का गोला आ रहा है इधर से बाहर से कसम से, इतनी हवा है ना इसमें, इतनी गर्मी है ना पूछो मत। मैं बैठा हूँ अब रेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा फोन ऐसा है पीछे से, देखा फोन कैसा है ये देखो पूरा, आप बोलोगे कौन सा फोन है, दिखाओ जो हमने घर के लिए लाया है। और घर के लिए हमने लाए अपने वाली क्रेट, तो एक खास सी है क्रेट, ये मन लगाएंगे अभी। अभी चल रहा है राजा भाई कंटिन्यू चलेगा, अब देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह शाम तक। महाराष्ट्र बॉर्डर भी रात को ही करना है, फिर MP में रात को ही घुसना है, चला इंशाल्लाह निकलेंगे, आप कंटिन्यू चलेंगे, आप नहीं रुकेंगे, अपनी राइड तो रहेगी कंटिन्यू, है ना राजा भाई। करते काम, चलते कंटिन्यू, फिर मिलेंगे आपसे आगे। बस चल रहे थे नागपुर, हमने अभी क्रॉस कर लिया नागपुर बाईपास को, हम अभी चल रहे हैं नागपुर, तो हमने वो रहा नागपुर का एरिया,
वो बिल्कुल नागपुर है सब, वो जो है ना ये भी बाईपास पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल नागपुर के बाईपास को दो टोल लगते हैं, है ना राजा भाई। ठीक है भाई, चल रहे कंटिन्यू, अपनी राइड कंटिन्यू है, नहीं रुकेंगे कहीं पे, अब चलेंगे सीधा सुपर फास्ट भाई। हम अब बिल्कुल टोल प्लाजा के पास पहुंचे, अब हम एंटर हो जाएंगे एमपी में। नागपुर का व्यू मैं दिखाऊंगा आपको शाम के। बिल्कुल अब एमपी में एंटर हो गए, महाराष्ट्र तो हमने क्रॉस कर लिया, अब एंट्री एमपी में एंटर हो गए। अब इधर ढाबे पे लगाई गाड़ी साइड में, क्योंकि हम पियेंगे चाय, शाम के बज गए 8 और राजा भाई ये भी बैठा है और एक उस्ताद आने वाला है पीछे। मैं करूँगा काम, मैं अब हम पियेंगे चाय वाय पी के निकलेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे भी जल्दी ही करनी है। राजा भाई व्लॉग एंड करना है, आप बोलो। राजा भाई व्लॉग एंड करना है आप बोलो। भाई यहाँ तक देखा ना वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और भाई बहुत मेहनत करता है, इसलिए इसको सपोर्ट करते रहो, आगे तक पहुँचाओ और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग। चलो तब तक के लिए रख के ये व्लॉग इधर ही करते एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर भाई वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना। बस भाइयों का सपोर्ट चाहिए, बस इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे इस चैनल पे एनजीआर मिस कश्मीर पे। चलो भाई फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपनी भाई को इजाज़त, खुदा हाफिज़।